ये पूरा का पूरा ये इंटेंशनली जो है ये स्क्रैच लगाया गया है चाबी से या किसी नुकीली चीज से, ये ना मेरी गाड़ी लगी है कहीं पे, ना ये गलती से लगा है। बेच दो गाड़ी? नहीं साल, अभी तो नहीं है, क्यों बेचनी है? कुछ ले लेंगे ना, घर ले लेंगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। हमला जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। भाई सर्दियों में व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा यार, दिल करता है बस कंबल के अंदर वरे रहो, टांगे घुसा के जो है ना हीटर लगाओ, मूवी देखो, इसके अलावा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा यार। ऐसे तो नहीं होता है। आज जो आपका भाई जो है ना सुबह सुबह उठ गया है, गंदा मंदा कमरा हुआ पड़ा है, क्योंकि कमरा साफ करने वाली जो है ना अपने घर गई हुई है अपनी मामा की तरफ, तो रात को आना है रूम ने, ठीक है, तो आज जो है ना कमरा गंदा ही रहेगा भाई, मुझे साफ करने का दिल नहीं कर रहा भाई। एनीवे वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तुम लोगों को याद होगा हम लोग जब तुर्की में थे तो हम लोगों के जो है ना जूते गीले हो गए थे, जब हम लोग पामुकुले में थे बर्फ वाली जगह पे, गीले हो गए सारे बारिश से। अरे रूप गीले हो गए, तो ये जो है ना भाई कल तो ताके जो है ना सुखा के रखे हुए थे, लेकिन अभी तक जो है ना इसमें से मैल मूल नहीं गई भाई, और इसकी जो है ना क्वालिटी भी जो है ना सारी, वो देखो ना पेंट शेंट उतर गया है और ये वो सारा जो है ना सत्यानाश हो गया भाई, सरफ से रगड़ रगड़ के इतना मैंने धोया इसको, ना मैल गई है ना स्मेल गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा भाई, मौत आ जाए भाई, अभी तक गीले हैं, अच्छे वाले जूते हैं लेकिन अब ये फाड़े हो गए हैं, तो हमें जो है ना अभी शूज लेने जाने हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है ना बाहर जाना पड़ रहा है आपके भाई को, तुम लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मेसी विराट कोहली मीटिंग शीटिंग में बुलाते रहते हैं, तो आपका भाई गंदे मंदे जूतों में जाए तो अच्छा तो नहीं लगता ना यार, चुप कर बे कुत्ते। तो अभी जो है ना ले आते हैं शूज, ठीक है, कोई एक दो पकड़ लेंगे। गाड़ी जो है ना गंदी भी बहुत ज्यादा हुई हुई है, ठीक है, पता नहीं कब से नहीं धुलवाई। समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास ये ब्राउन में भी ऑप्शन है, कलरफुल में भी है, ये ब्लू ब्लू से है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा का हमारे पास पहले था, ये वाला भी बड़ा मजे का लग रहा है लेकिन ना इतना खास नहीं है, मुझे लेसेस वाले नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस तरह का जिसमें ना लेसेस नहीं है, ये इजी होता है पहनना, चुप करके जो है मुंह धोए बगैर पहले फटाफट निकल के, मैं तो कहता हूँ ये पकड़ लेते हैं भाई, और एक ये पकड़ लेते हैं, एक लेसेस के साथ हो गया और एक हो गया लेसेस के बगैर, यहाँ पे भी कुछ कलेक्शन वगैरह लगी हुई है, ये अच्छा लग रहा है ब्राउन ब्राउन, मैं चाह रहा हूँ लेसेस के बगैर वाले पकड़ने, कार्ड पे करना है बिल कार्ड पे, ठीक है, चुप कर बे कुत्ते। तुम लोग भी सोचते हो कि यार डक्की भाई जब से आपने फॉर्च्यूनर ली है आपने तो ऑडी ई-ट्रॉन चलानी बंद कर दी है, उसकी मैं तुम लोगों को वजह बताता हूँ भाई, ये देखो भाई, ये देखो, ये पूरा का पूरा ये इंटेंशनली जो है ये स्क्रैच लगाया गया है चाबी से या किसी नुकीली चीज से, ये ना मेरी गाड़ी लगी है कहीं पे, ना ये गलती से लगा है, ये इंटेंशनली जानबूझ के जो है ये स्क्रैच मारा गया है, और ये पीछे की साइड पे है, ये देख लो बैक बम्पर है। अब मैं तुम लोगों को एक स्क्रैच फ्रंट बम्पर पे दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई, ठीक है, ये तो पूरा पीपीएफ भी उतरा हुआ है ना स्टिकर, यहाँ से पूरा पैच उतरा हुआ है, ठीक है, और ये तुम लोग शायद अगर गौर करो तो ये अच्छा खासा कोई चीज मारी गई है, और ये गाड़ी हमारी नहीं लगी, एक बार भी नहीं लगी, लगी होती मुझे पता होता मैंने कोई बदतमीजी की गाड़ी के अंदर, और ये जो है जान के कोई ना कोई जो है ना चबले मारनी किसी ने शुरू की हुई है। अब पाकिस्तान में यही है, मैं रोला भी कर दूं ना कि यार ये स्क्रैच मार रहा है कोई, किसी ने कोई परवाह भी नहीं करनी भाई, ये भी स्टिकर जो है पूरा पूरा उतरा हुआ है पीपीएफ, ये देखो ये क्यों उतरे हैं, ये तो बहुत इंटेंशनली मारा गया, ये देखो ये जान बूझ के जो है ना प्रॉपर जान बूझ के स्क्रैच मारा गया भाई। अभी जो है ना एक काम करते हैं, जिनसे हमने पीपीएफ करवाई थी ना उनके पास चलते हैं और उनको कहते हैं कि पीपीएफ जो है ना उतारे स्टिकर और देखे कि बॉडी पे तो नहीं कोई आ गया कोई निशान निशून, कसम खुदा की उसको मैंने करेंगे हाथों पकड़ लिया ना ऐसा फेंटा चाड़ूंगा उसका रोएगा फिर वो। अच्छी बली मेरी सास सुथरी गाड़ी थी यार, सत्यानाश कर दिया चवल। अभी तो शुक्र है यही दो हैं, मैं सोच रहा हूँ बेच दूं, मतलब यहाँ पे ना रखने का फायदा नहीं है यार, किसी के अंदर भी हसद हो वो टक करके एक स्क्रैच मारना उसने गाड़ी के अंदर उसका क्या जा रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ बेच दूं यार, फायदा नहीं है यार यहाँ पे कोई गाड़ी रखने का, किसी कुत्ते ने आगे स्क्रैच मार देना फिर वर गया सब कुछ, पता नहीं क्या मसला है। मैंने जो दोनों तुम लोगों को निशान दिखाए हैं वो दोनों इंटेंशनली जान बूझ के लगे हैं, तो खैर भाई के पास चलते हैं जिन्होंने हमारी पीपीएफ की थी, उनको कहते हैं उतारे और देखिए कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ गाड़ी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सलमान भाई, ये देखे ना ये क्या कर दिया किसी ने, ये देखे ना ये क्या हुआ है, ये कोई मसला नहीं है, ये इसीलिए तो आपने पीपीएफ लगवाई थी। हाँ बच गई गाड़ी, बच गई है, बचत है 100%। एक और जगह है, एक ये भी है, ये हाँ। भी है, तो ये ठीक है ना, ये देखे ना पीपीएफ ऊपर से खराब होगी नीचे से हमारा सारा पेंट बच गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्यों है, मुझे तो लग रहा है कोई जान के मार रहा है। नहीं, गाड़ी बेसिकली बहुत ज्यादा नीचे है ना, आपने स्पोर्ट्स गाड़ी ली हुई है तो नीचे हमारे यहाँ जो पत्थर जो होते हैं वो बाजूकत लग जाते हैं।
अच्छा लेकिन बेहतर हो गया ये तो, कोई मसला नहीं, फिक्स हो जाएगी। एक ये भी है, एक ये तो है ही है, ये मैंने अभी देखा है, ये भी चेंज हो जाएगा, एक ये भी चेंज हो जाएगा, 100% नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। अभी स्टिकर उतारे, अभी 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 उतार के देते हैं आपको, बिल्कुल क्लियर। स्टिकर ने जो है ना काफी हद तक बचत कर दी है गाड़ी की, ठीक है। अभी स्टिकर उतार के देखते हैं, देखते हैं नीचे से क्या है भाई, नीचे बिल्कुल नई गाड़ी होगी। हाँ हाँ, ये तो बड़ा मजा आ रहा है स्टिकर उतारने में। ये तो ऐसे बिल्कुल नई गाड़ी निकलेगी। मुझे बताएं कि ये अगला और पिछला स्टिकर चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 2 दिन तो चाहिए होंगे। 2 दिन यार, ऐसा जुगाड़ नहीं, कोई 2-3 घंटे हो। आज का दिन तो तकरीबन गुजर गया, और कल और परसों का 2 दिन चाहिए होंगे। परसों शाम को ले लीजिएगा, 2 दिन बाद ले लीजिएगा। चलो सही है, 2 दिन तक मेरे पास गाड़ी नहीं रहेगी फिर। नहीं लेकिन गुजारा कर ले, मैं आपको अपनी गाड़ी दे दूं। नहीं नहीं, सबूर मेरी गाड़ी में। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। गाड़ी कौन सी है फिर? प्रियस। कोई मसला दे दे। ना 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 ना, गाड़ी हमें मिलेगी 2-3 दिन बाद, ठीक है। अभी जो है हम लोग चलते हैं घर सीधा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे ख्याल से गाड़ी नीचे होने की वजह से जो है ना उस पर कोई स्टोन चिप या मतलब कोई चीज लगी होगी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है जान के मार रहा हो, लेकिन फिर भी ना मैं शायद गाड़ी बेच दूं। मुझे इससे मजा नहीं आता ना यार, ये देखो ना यहाँ पे कभी कोई रिक्शा आ रहा है, कभी कोई बाइक आ रही है, ऐवी गाड़ी गुड़ी मार दे, समझ नहीं आएगी ना यार। फॉर्चुनर जो है ना वो फिर चलो रिलायबल है, उसमें तो लोग खुद ही रास्ता दे रहे होते हैं। अभी घर चलते हैं, काम शाम करते हैं, फिर मिलते हैं तुम लोगों से। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं अबाउट टैप टैप सेंड, जहां पे आप पाकिस्तान के अंदर पैसे भेज सकते हो दुबई से यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, और जबरदस्त एक्सचेंज रेट मिलता है, फास्ट ट्रांसफर, और 1300 से ज्यादा यूबीएल के ब्रांचेस के अंदर आप कैश पिकअप भी कर सकते हो। अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा बड़ा मसला आता है बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजने में, आपके बड़े दोस्त या रिलेटिव जो है वो सारे बाहर बैठे होते हैं, लेकिन अब उनके लिए पाकिस्तान पैसे भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर तुम लोग मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको 25 दिरहम, 10 पाउंड, 10 यूरो, $10 तक का बोनस मिल सकता है पहली ट्रांजेक्शन के अंदर। तो अभी टैप टैप से डाउनलोड करो, पाकिस्तान पैसे भेजना शुरू करो भाई। 3 hours later। हाँ जी, शुक्र है तुम आ गई यार, सारा दिन पूरा कमरा गंदा रहा था यार, कोई साफ करने के लिए था ही नहीं। आओ जी। गाड़ी कहाँ गई? तुम्हें पता है गाड़ी में क्या हुआ? इतना मोटा स्क्रैच मारा किसी ने। मारा है या लड़ गया किसी से? मारा है, मुझे तो लग रहा है मारा है, लेकिन अच्छा है कि वो स्टिकर के ऊपर जो है ना स्क्रैच लगे, तो अभी मैंने गाड़ी के ऊपर ना जो दोबारा स्टिकर लगाने के लिए भेजा हुआ है। PPF करवाई थी ना? हाँ, 2 दिन बाद मिलेगी भाई। चलो आज फटाफट कमरा तो साफ करो ना आके भाई। खाने को नहीं कुछ पड़ा हुआ है? चम्मच तो यस कराओ भाई, 7 चम्मच प्लेट में डाल। मजा आ गया यार, मजा आया। तो फटाफट खाना जाना खाओ, फिर कमरा भी साफ करना है, बड़ा काम रहता है भाई। मैंने अभी तक 3 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, मैंने एक बार भी इंजॉय नहीं की। गाड़ियाँ पाकिस्तान के लिए बनी नहीं है, बेच दो गाड़ी। अभी तो नहीं है, क्यों बेचनी है? कुछ ले लेंगे ना, घर ले लेंगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पैसे भी आ जाएंगे ना इसी बहाने, मेरे पास 0 है पता है। हाँ जी, लेकिन तुम लोग बताओ गाड़ी बेचने या रख दें, ठीक है? नीचे कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टंकी में लॉग इन को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, मिल जाएगा।